अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद खान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। आज हम पढ़ेंगे कुछ नया। आज हम पढ़ेंगे ब्लेंड ऑप्शन, ब्लेंड टूल। बेसिकली ब्लेंड टूल कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, कलर्स कैसे चेंज करते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ शेप्स कैसे बनती हैं इससे, ये सब चीज़ें हम आज इस क्लास में सीखेंगे। कंट्रोल एन, न्यू फाइल। बेसिकली ब्लेंड ऑप्शन करता है क्या, एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसको कलर फिल करते हैं, स्ट्रोक पर नन, कलर फिल किया, कोई भी कलर ले लिया, अब इस कलर को, इस रेक्टेंगल को हम डुप्लीकेट करते हैं। मैंने इसको तो पता किया, कलर चेंज कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब ये ऑप्शन जो टूल नजर आ रहा है, इसको हमने क्लिक किया, ठीक। अगर हम चाहें तो कंट्रोल ऑल्टर बी भी कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट की, कंट्रोल ऑल्टर बी शॉर्ट की है, और चाहें तो हम टूल के सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे हाथ में, ठीक है। ये देखिए, मैंने तीन रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके ब्लेंड किया तो वो कुछ इस तरह से बन गया, वरना पहले कैसे था वैसे, ठीक। अच्छा, ब्लेंड के जो ऑप्शन भी हैं वो कहाँ है, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, ब्लेंड ऑप्शन, स्मूथ कलर, यहाँ पे आ गए स्टेप्स, यहाँ 210 लिखा हुआ, फिर मैं चेक लगा लेता हूँ, मैं सिर्फ 10 लिखता हूँ और फिर वो चेक करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। 100 करता हूँ तो स्मूथ हो जाएगा, और सिर्फ 5 लिखता हूँ यानी 5, इस तरह, ठीक है ना। ग्रेडियंट जो होते हैं ये कलर को स्मूथ करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एच, मैंने आर्टवर्क हाइड कर दिया, इससे कलर हाइड, कलर जो है स्मूथ हो रहा है, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट स्मूथ हो रहा है। ब्लेंड ऑप्शन के और भी आपको आगे चीजें दिखाता हूँ कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ताकि आपको सही इसका इस्तेमाल पता चले। पर यकीन जाने इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आगे बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। मैंने स्ट्रोक ब्लैक कलर फिल किया, दो स्ट्रोक ली, कंट्रोल ऑल्ट डी, या क्लिक किया, ब्लेंड हुआ, ब्लेंड ऑप्शंस, इसके स्टेप्स पे जाऊंगा और क्वांटिटी कम कर, ठीक। जैसे आपने नॉर्मल कॉपी वगैरह पे देखते हैं, आपकी कैश में होती है, इनवाइस में होती है, कुछ इस तरह के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह की लाइनें वगैरह आप देखे करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ब्लेंड ऑप्शन के थ्रू कर रहे होते हैं। कोई अपने टेबल बनाना है, कोई चार्ट बनाना है, तो हम वो सब, कोई ग्राफ अगर बनाना है तो वो सब हम इसी के थ्रू बना देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर हो और इजी टू यूज़ हो, ताकि कोई हमें आगे आके कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते, मैं इसमें लूंगा एक सर्कल, कंट्रोल भी, ऑप्शन भी कम कर, ठीक। अब मुझे कलर फिल करना, तो मैं इसकी स्ट्रोक करूंगा नन, फिल को करूंगा कोई भी एक फर्जी कलर। अब मैं चाहूँ तो कलर चेंज करना चाहूँ, डायरेक्ट शेडर टूल से सेलेक्ट करके मैं कलर चेंज कर सकता हूँ।
मैं जितना करीब रखूं या दूर रखूं कितने रहेंगे, जब तुम ऑप्शन से कम ज़्यादा नहीं करूंगा। हाँ, डिस्टेंस ही खुद आगे पीछे होते रहेंगे, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक, मैंने एक सर्कल लिया, उसमें कलर फिल किया, एक मैंने छोटा सर्कल लिया या बड़ा, कोई भी वटेवर, मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूं कि ब्लेंड ऑप्शन किस तरह से काम करता है। कंट्रोल ऑल्टर पी, ये इसकी शॉर्ट की, मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड ऑप्शन लिखा 10, फिर भी चेक लगाया, अब मैं इसको कम ज्यादा कर सकता हूँ। 12 किया, अब लेकिन मुझे एक सर्कल पे अगर एक पार ड्रॉ करता हूँ, इन इस ब्लेंड ऑप्शन को और इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, रिप्लेस पार्ट, अभी देखिए यहां दो सर्कल दिखा रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये कलर यहाँ पे, मैं कलर इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से डार्क बना रहा है, दो सर्कल को ब्लेंड किया, एक मैंने पाथ बनाया और मैं इसको मैंने ऑब्जेक्ट में किया और मैंने रिप्लेस स्पाइन को अप्लाई किया, बोलिए इसका मैंने छोटा या बड़ा कंट्रोल डी। अब मैं चाहता हूं कि ये किसी राउंडेड रेक्टेंगल पे अप्लाई कर दूं, मैंने इसको नन किया, इसको सेलेक्ट किया, जो मैंने ब्लेंड किया था, ऑब्जेक्ट में गया, ब्लेंड में गया, रिप्लेस स्पाइन, ये देखिए ऑटोमेटिक किया उसके ऊपर आ गया। अब ब्लेंड ऑप्शन में गया, कितने 15 25 या 25 मैंने लिखा, अब इसको 35 कर दें, जितना बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा, जितना कम करेंगे इतना कम होता जाएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। स्पाइन लेता, स्टार, इन दोनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल बी और मैंने इस पाथ को भी सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ऑब्जेक्ट में गया और रिप्लेस इसका। ठीक है, मैं चाहता हूँ रिवर्स भी कर सकता हूँ, यानी कि जहां एक मिनट छोटा किया सिर्फ समझाने के लिए कि एक शेप पे मैंने छोटा कर दिया और दूसरे सिरे पे मैंने बड़ा रखा। अब मैं चाहूं तो रिवर्स भी कर सकता हूं। अब आप देखें वहां पहले छोटा था वहां बड़ा आ गया और जहां बड़ा था वहां छोटा आ गया और इसी स्पाइन के ऊपर ये घूम रहे। ऑब्जेक्ट में जाता हूं, ब्लेंड ऑप्शंस, मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाता 50 कर देता। अब देखा आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे डबल, अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन मैं आपको इस लेयर के अंदर आ देंगे और इस आपने एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और इसमें आपने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, और आप क्वांटिटी कम करना चाहते हो ब्लेंड ऑप्शन में गया, अपने अपने स्टार्स की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। चलो अब हम दूसरी शेप पे बढ़ते हैं, तो ब्लेंड ऑप्शन में और क्या क्या चीजें हैं, कुछ इस तरह के डिजाइन का भी आपने नेट पे देखे हो। मैंने एक स्ट्रोक लिया, दूसरी स्ट्रोक ली, दोनों को सेलेक्ट करा, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ कि मल्टीपल ले लेता हूँ, ये मैंने 1 2 3 4 5 लाइन्स है, इनको पकड़ा कंट्रोल टू बी। ठीक, अच्छा ये बीच बीच में
अच्छा मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं ली, मैं डायरेक्ट लेता जब भी तो हो जाता, फिर मैंने ये 5 लाइंस क्यों ड्रॉ किया और फिर उसके बाद कंट्रोल भी किया, इसकी क्या वजह पेश आई मुझे? सिंपल वजह वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, दोनों में फर्क। ठीक है, इस लाइन को मैं जैसे चाहूँ मूव कर सकता हूँ। इस तरह के नॉर्मल डिज़ाइन कभी आपने देखे हो या खुद भी बना सकते हो? डिज़ाइन बेहतर ये है कि आप खुद बनाना जानते हो कि कैसे बनेगा। आपको इंटरनेट की या किसी जगह की मोहताजगी ना हो कि ये होगा तो मैं बनाऊंगा, खुद आपको मालूम चाहिए ये मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये कैसे मैं बना सकता हूँ, इसको किस तरह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई सर्कल ले लें कोई इस तरह से और दूसरे कोई पाथ ले लें, तो इस तरह से हम मुख्तलिफ तरह से घुमा फिरा के ब्लेंड ऑप्शन के थ्रू मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक सर्कल लेता हूँ, इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बनाया, मैं इसको रोटेट करता हूँ, आर ट्रेस की एंट्री किया मैंने, प्रीव 15, 25 करें। ठीक, अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर नहीं है, मुझे इसके ऊपर बिठाना है 25 कॉपी। अब मैंने जब कॉपी किया तो कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी नहीं, मुझे थोड़ा सा और इसकी रेशो बढ़ाना होगा, तकरीबन लास्ट में 30 किया था, 35 करके देखें कॉपी, नहीं इस तरह से नहीं हो रहा, मैं इसको करता हूँ एक अंदाज़े से 32 कर लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। मैंने सबको लिया कंट्रोल अल्टर, इस तरह से भी ये बन सकता है। मेरा समझाने का बताने का मकसद ये था कि हम इस तरह के भी शेप बता सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, अगर हम स्टार लें और स्टार हम फोर्टी फाइव फ्रेम कॉपी करते हैं, इन सब को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोलर भी ऑप्शन बढ़ाना चाहें तो हम इजीली हम बढ़ा भी सकते हैं इसकी, अगर हम चाहें मजीद स्ट्रोक बोल्ड करना तो हम कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 पॉइंट कर लेता हूँ, ये 1 पॉइंट के मैंने क्या। अब मैं अगर कलर चेंज करना चाहूँ एक एक स्ट्राइक का तो इजीली कर सकता हूँ, और ये डिफरेंट कलर बनते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये ब्लेंड ऑप्शंस इन शेप्स को बनाने के लिए, इन डिजाइन्स को बनाने के लिए काम आता है। मैं एक मान लेता हूँ,
मैं इसको थोड़ा सा कर्व कर रहा हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा इसको मैं कर्व बना के आपको दिखा सकूँ कि हम इसको और भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके ऑप्शंस आप कम करना चाहें कम कर लें, मगर ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे इसके ऊपर बिठाना पड़ेगा। ठीक, अब कंट्रोल कर लें, कंट्रोल डी, सही है। वो कॉपी नहीं किया था तो उसके ऊपर वो गैप रह गया था। मैं इसके ऑप्शंस को कम करूंगा, ब्रांड में जाऊंगा, ऑप्शंस कम 25, रिव्यू चेक करूंगा। देखिए किस तरह से आपको नजर आ रहा है। अगर अब मैं चाहूँ तो एक एक करके इन स्ट्रोक को कलर चेंज कर सकता हूँ। और अब आप देखें, देखो किस तरह का, कंट्रोल वाई करूंगा तो चंद पार्ट नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में भी काफी सारी लाइंस हैं, और इन लाइंस को मैं यहाँ से ब्लेंड ऑप्शन से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने 25 देखो, मैं 15 कर देता हूँ, तो ये और कम हो गया। स्ट्रोक में जाऊँ तो मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, डबल क्लिक कंट्रोल ए 2 पॉइंट, डबल क्लिक किया तो ये आपके सामने ग्रे कलर की बार आ गई और यहाँ पे लेयर ऑप्शन आ गया और इसमें ब्लेंड ऑप्शन खुल गया। डबल क्लिक करूंगा तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ शेप को जब मुख्तलिफ शेप से कंट्रोल भी करेंगे, या आप चाहें टूल से भी कर सकते हैं। मैं शॉर्ट कीज पे ज्यादा काम करता हूँ तो इसलिए वो समझा रहा हूँ कि कंट्रोल भी इसकी शॉर्ट की है, तो इस तरह के मजे मजे की शेप बन सकती है उसके ऊपर। अब मजीद उसके ऊपर आगे काम करना है तो आप इस पीछे कोई रेक्टेंगल लगा लें। अब इस पर क्या कलर स्कीम है ये देखनी पड़ेगी। ये मैंने उठाया, इसमें फिल में डाला और इसको मैं स्ट्रोक रन करता हूँ, इसका आगे से कलर ब्राइट करता हूँ थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, तो देखें कुछ इस तरह की चीज़। ठीक है, इसी तरह मैंने मुख्तलिफ कर ली तो ये बन गया, और मैंने ये सर्कल के साथ किया। तो याद रखिएगा, अगर आप सर्कल के साथ इसको बनाना चाह रहे हैं किसी भी एलिमेंट को, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो उसका ऑप्शन है, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से करके कंट्रोल कर भी, और आपको किसी भी शेप पे बिठाना हो, लेट सपोज ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में ब्लेंड ऑप्शन, रिप्लेस स्पाइन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको दो ब्लेंड ऑप्शन को किसी पर अप्लाई करना हो तो रिप्लेस स्पाइन से करेंगे, जब के सामने आएंगे। अब आप उसको क्वांटिटी कम करें ज़्यादा करें वो आपके ऊपर है, ऑटोमेटिक चेंज नहीं। मैंने मुख्तलिफ इस तरह से बनाया था, आपको मैंने अभी बना के दिखाया था, वो इसी इसी ऑप्शन के तहत बनाया था, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। मगर इतना खूबसूरत इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा बेहतर है। इसी तरह कभी आप इन फ्यूचर अगर ब्लेंड ऑप्शन में कोई स्टार इस तरह से बढ़ाने हो कम करने हो तो इस ऑप्शन के तहत आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।